आप सभी का स्वागत है सुस्था व्यंग इस पेज पे। और मैं इससे पहले रस के बारे में आप लोग को इस पे समझाना चाहा, जैसा कि मुझे पता है और आपको भी पता होना चाहिए कि हर किसी के भीतर ये सारी चीज़ें होती है बट उसे रिमेम्बर नहीं कर पाती, जिस कारण से बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर हमारे अंदर की जो जानकारियां हैं उसे अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस उस पर करें और समझ में करें तो हम छोटे से फॉर्मूला के ऊपर में हर चीज़ के विज्ञान को देखते हुए हम स्वस्थ रह सकते हैं। फ्रैंक रेडोल्फ, डॉक्टर फ्रैंक रेडोल्फ एक पूरा जीवन, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं उसके ऊपर गवा दिया। उन्होंने एक अनसुलझी चीजों पे, विज्ञान के अनसुलझी पहलू पे रिसर्च करना शुरू किया। हम गांव के हैं, भारतीय सभ्यता के हैं और उस कल्चर से आते हैं जो हमने जन्मों से देखा है, जो एक तांत्रिक प्रक्रिया है, एक मूर्ति पूजा है, एक शाश्वत विज्ञान है और इसकी एक अंडरस्टैंडिंग, इसकी एक जो है सो थॉटफुल बातें आदमी को जीवन में शक्तियां प्रदान करती है और आगे स्वास्थ्य भी प्रदान करती है। डॉक्टर फ्रैंक रेडोल्फ जंगलों के बीच, आदिवासियों के बीच रह के अनसुलझी रहस्यों पे शोध करते थे। उन्होंने पाया, उनके उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि आदिवासियों के पास वो विज्ञान थी जो एक बार अगर ठान लिया उसने कि इस वृक्ष को सुखाना है तो आप पानी कितनों भी दे रहे हैं, कितनों भी उसे पर्याप्त न्यूट्रिशन दे रहे हैं, मगर वो 5 से 10 दिन के अंदर अंदर सूखना ही है। इस चीज को जब उसने देखा तो उनकी दिलचस्पी बढ़ी और आदिवासियों के साथ मिलके इस विद्याओं को समझा तो पता चला उन्हें कि मिट्टी की कोई भी प्रतिमा बना के किसी आदमी के ऊपर उसका चेहरा बनाने की बात, उस पर अगर थर्ड आई से संधान कर दिया जाता है स्वास्थ्य या बीमारी को, तो वो दूर बैठे हुए आदमियों को असर करता है। ये उन्होंने रिसर्च किया बट ये सत्य है, ये हमारा विज्ञान है, हमारा पुश्तैनी विज्ञान है, जिससे बहुत सारी टेलीपैथी वाली जो एक पद्धति है वो भी जुड़ी हुई है। क्योंकि हमारे, जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया कि हमारे थर्ड आई पे स्वयं अर्धनारेश्वर का वास होता है, जो वहाँ का स्राव है, इस जगह का जो अग्र मस्तक का स्राव है वो जीवन के विषय में फुल्ली है कि स्ट्रक्चर कैसे चलना है, कैसे ये चीज क्रिएशन होगा, कैसे जो है सो एक आकर्षण का सिद्धांत जो है सो प्रस्फुटित होगा, ये सारी चीज़ें हमारे थर्ड आई का है। और इसके दाता कौन है, ग्रह कौन है, शनिदेव हैं। और शक्ति कहाँ वास करती है, किसी भी चीज की शक्तियाँ पाँव में वास करती है। इस जो भौतिक शरीर की शक्तियां बह रही है उसका मौलिक स्थान पाँव ही है, अगर पाँव नहीं तो इससे हम आकर्षण नहीं दिखा सकते हैं। हम की हमारी सूक्ष्म शरीर है उसको आप नहीं देख पा रहे हैं, तो हमारी भौतिक शरीर में जो शक्तियां संचारित होती है उसका मुख्य स्थान पाँव ही है, पाँव से ही हम कर्तव्य दिखा सकते हैं।
हमने देखा है कि दूर बैठे हुए आदमी को साबर मंत्रों के द्वारा सर्फ का दंश उतारा जाता है। मूर्ति पूजा एक विज्ञान है और ये इसको दर्शन के तौर पे समझने और इसको उतारने के लिए मूर्ति पूजा का आयोजन किया जाता है, शक्ति की स्थापना की जाती है। अगर एक सिंपल को भी तांत्रिक या मांत्रिक मिट्टी का एक उसके नाम से ये मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि उसी के शक्ल से मिले, उसके ऊपर अगर उसे बीमारी भेजना है, ट्रांसफर करना है, ट्रांसफॉर्मेशन का काम उस मिट्टी के पुतले से कर सकता है। और उससे कम की भी बात अगर मान लीजिए, ये तो चलिए ये भी एक रहस्य की चीजें हैं, मगर एक चीज देखिए कि आपके शरीर का अगर कुछ भी अगर निकलता है तो उसमें आपका डीएनए छुपा हुआ रहता है, जिसमें मुख्य तत्व बाल, नाखून और वीर्ज, ये महासेंसिटिव चीज है, इससे 100% डीएनए निकल जाता है। और अगर किसी भी गलत या सही करने के हाथ जो इसके जानकार है उसका ये चीज आपको मिलता है तो वो उससे आपकी नचा सकता है आपको। ये विज्ञान है और ये परा विज्ञान है। तांत्रिक एक साधना का प्रक्रिया है, तंत्र एक साधना की प्रक्रिया है। जब किसी भी आराध्य को मान के आप उसमें लीन हो जाते हैं, दिन प्रतिदिन उसमें आपकी रुचियां बढ़ती है तो अपने आप उससे निकल रुचियां से निकलने रुचियां जो रुचि है और जो श्रद्धा है वो दोनों जब मिलती है तो आपके पास आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज देता है। मगर यहाँ पे एक चीज सिद्धांत होता है, उस वाइब्रेशन का इस्तेमाल आप किस लिए करते हैं। कभी कभी साधक जब किसी चीज को सिद्ध करने की प्रक्रिया होती है तो वो प्योर होते हैं, मगर जब उसकी उसको यूटिलाइज करने का टाइम आता है तो वो उनमें जो है सो आम शक्तियां उसके उनके ब्रेन में कॉन्शियसनेस में एक निगेटिव वाइब्रेशन फैला देता है और उसकी गलत इस्तेमाल करने से वो खुद अपने बहुत सारे डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है, पारिवारिक या मानसिक। तो हमें इस विज्ञान को समझने की जरूरत है। मूर्ति पूजा के बाद ही पूजा की बात करते हैं। पूजा वास्तविक में मूर्ति पूजा एक विज्ञान है। पूजा की बात करते हैं तो मूर्ति पूजा से निकल के जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो पूजा है जहां किसी मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ती। आप जगदम्बा के, महामाया के बिल्कुल समीप होते हैं, उनमें विलय होते हैं, वहां कोई मूर्ति काम नहीं करता। मूर्ति पारिवारिक से ऊपर उठने का एक मार्ग है, जहां पे हम उनकी प्रतिमा को बिठा के और तांत्रिक प्रक्रिया के जरिए उन्हें प्राण प्रतिष्ठित करके उनमें शक्ति का आधान करते हैं। वहां भी कर्ता आप ही होते हैं, मिट्टियों मंत्रजड़ित होता है, उनकी तिथियां होती है, प्रॉपर ढंग से वो नौ जो एक टाइमिंग होता है या नवरात्रि का होता है या और भी मूर्ति पूजा का जो विधि विधान है, कितने दिन का एक अवस्था होता है, उसमें पूरा प्रक्रिया के साथ यांत्रिक, मांत्रिक और तांत्रिक गतिविधि के द्वारा उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके शक्ति संचालित की जाती है और उसके वाइब्रेशन से हम अपना वर्षों का दैनिक जीवन को सफल करने की कामना करते हैं। पूजा का वास्तविक अर्थ है कि हम अपने से ऊपर उठ जाना, और मूर्ति पूजा हम अपने तक
के अंदर की चीज को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। हम अपने शरीर के देवताओं का पूजा करते हैं, किसी और का उपकार नहीं करते हैं। अगर समुचित भाव से मूर्ति पूजा का विधि विधान होता है तो उनसे पॉजिटिव शक्तियां निकल के समाज का कल्याण करती है और मानव मात्र के कल्याण के लिए एक साधन होता है। डॉक्टर फ्रैंक रुडोल्फ ने कहा कि कई सालों रह के उन्होंने बहुत सारे विद्याओं को देखा और उस पर रिसर्च किया। उन्होंने तो पाया कि जितनी भी विद्याएं हैं सब वो अपनी एंटीबॉडी को बनाने के लिए किया। एंटीबॉडी का तात्पर्य यहाँ है कि जंगल में कोई आदमी रहता है, उनका संसाधन, उनकी रक्षा प्रणाली ऑटोमेटिक बनाना पड़ता है। एक जो मूर्ति पूजा की बात की जाती है तो वहां पे एक तरह से एंटीबॉडी ही बनाना होता है। आप हवन की बात करते हैं या तो आप अपना एंटीबॉडी ही बनाते हैं। जंगलों में तितलियां अपनी एंटीबॉडी बना लेती है जहरीले पत्तों पे अंडा देते हैं। तो हर जगह जो भी चीज रहती है वो उसके हिसाब से उसके शरीर की संरचनाएं होती है और वो अपने शरीर की पूजा किस विधि से करें ये उसे पता होता है। हम अच्छा आयु प्राप्त करें, अच्छा विद्या प्राप्त करें, अच्छा यश प्राप्त करें, इसके लिए हम दूसरे को भी अच्छा देखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप दूसरे को अच्छा नहीं देखते हैं तो स्वतः आपका अच्छा नहीं होता है, या होता भी है तो उसका डिसऑर्डर होना ही है। किसी को एक तिनके को उठाकर अगर उसका वार कर दिया जाता है तो उसका असर मंत्र के तेज से बहुत तेज गति में जाता है, जितना गति से आवाज जाती है। मंत्र में इतना पावर होता है कि आजकल इतनी आधुनिकता को दिशा और दशा दिया, क्योंकि शब्द मंत्र का ही रूप होता है। आज साइंटिस्ट इतने सारी चीजों को विकसित अगर किया है तो मंत्र तंत्र और यंत्र के ही सीरियल से, तब वो यंत्र तंत्र और मंत्र को उद्घोष का उद्घोष करता है। जो किसी यंत्र को बनाने के लिए पहले उसका मांत्रिक गतिविधि होता है, फिर तांत्रिक गतिविधि होता है, फिर यंत्र यंत्र में निर्माण होता है। सनातन विधा में, सनातन संस्कृति में देवी की पूजा रक्षा के लिए किया गया है। कहीं कभी कभी हमें सोच के ये लगता है कि इंसान डरे हुए हैं। अब डरे हुए कैसे नहीं हैं, यहाँ पे ये चीज सत्यापित होता है कि जिस देवता के हाथ में अस्त्र है हम उसी की पूजा करते हैं और जिसके हाथ में अस्त्र नहीं है उनको हम बहुत कम तवज्जो देते हैं। जैसा दृष्टांत ब्रह्मा जी की प्रतिमा पुष्कर में और वहीं सिर्फ पूजित हैं, वो बहुत ओकेजन ब्रह्मा जी का पूजा होता है, मगर जिसने इस सृष्टि को रचा हम अपने ब्रह्म की पूजा बहुत कम करते हैं, सिर्फ इंद्रियों का पूजा करते हैं। हम ब्रह्म को याद नहीं करते, ब्रह्म में लीन होने के लिए हम 5 मिनट भी समय नहीं निकालते, इसीलिए इंद्रियों का सुख हम पे हावी हो जाता है और इंद्रिय का सुख अगर हम भोगते रहे
और उसमें ब्रह्म का लय नहीं होता है, अगर ज्ञान नहीं होती है उसके अंदर, क्योंकि ब्रह्म नहीं है तो ज्ञान भी अपनी हाथ छीप लेती है। सरस्वती भी उस शक्ति से अलग होना शुरू हो जाती है। शुरू में तो आपको देखती है कि आप किस तरह से उसका यूटिलाइज करते हैं, और शक्ति से अगर सरस्वती की कमाप्त होती है तो शक्ति में हीनता होती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है। तीनों शक्ति का होना किसी शक्ति समुचित शक्ति का बल तीन को मिला के है। आपके अंदर जो कोई भी शक्ति काम करती है प्रॉपर वे में तीन को मिला के ही करती है, और उसमें अगर हीनता आती है तो बहुत सारे डिसऑर्डर होने शुरू हो जाते हैं। जैसे आवाज़ बढ़िया है सरस्वती की, अगर आप आवाज़ का यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, आप सही से नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप में से उसमें से सरस्वती जाती रहेगी। सरस्वती जब जाएगी तो लक्ष्मी भी संग में चली जाएगी, आपके कस्टमर खराब हो जाएंगे। आप किसी भी जिस भी फील्ड में है वहाँ पर आपकी डेमोन्स्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद कुछ दिन के बाद लक्ष्मी जब जाएगी तो लक्ष्मी के बाद इस जगत में जहाँ फर्स्ट स्थान पर लक्ष्मी की प्राथमिकता दे रखे हैं, जबकि जनमानस में कोई भी आदमी गिर सकता है, उसे उठाने के लिए लक्ष्मी की जरूरत नहीं है, उसे आप बांह पकड़ के उठा सकते हैं। मगर हम में ये डिसऑर्डर घुस चुकी है जिसको हटाना बहुत जरूरी है, कि हम उठे हुए को ही पकड़ते हैं, गिरे हुए को छोड़ देते हैं, मगर वही कल जाके हमारे भी बीमारी का कारण बन जाता है। ये 100% रिसर्च है। और ये मूर्ति पूजा में हम आपके साथ बढ़िया भाव रखते हैं तो स्वतः आप हमारे साथ सही भाव रखेंगे। ये तांत्रिक मांत्रिक जो वार है बहुत जोर शोर से चल रही है एक दूसरों के ऊपर, मगर हम अगर धर्म विरुद्ध युद्ध करते हैं, धर्म विरुद्ध प्रहार करते हैं, तो वो निश्चित रूप से हमारे बहुत सारे लॉस का भी कारण बनता है। इसीलिए पावर का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। शक्ति अगर आप प्राप्त करते हैं तो शक्ति का इस्तेमाल आप सही से करते हैं तो आप में चिरायु रहती है वो आपके साथ, नहीं तो आपको उसका जवाब भी देना पड़ता है। तो पूजा और मूर्ति पूजा से ये है, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण की बात आती है। तमोगुण हमारे अहंकार और क्रोध के साथ शुरू होती है, हमारी खून पीती है या खून लेती है। जो तांत्रिक इस तरह के नीचे स्तर से अपना तंत्र विद्या शुरू करते हैं तो वो देवी को प्रसन्न करने के लिए खून देते हैं या खून लेते हैं, चढ़ाते हैं कहीं और से लेके, क्योंकि तामसी प्रवृत्ति से ही उनकी उत्पत्ति होती है। क्योंकि चिंगारी तभी निकलती है जब आग ज्वलंत होती है, और एक होता है कि कोई सिद्ध योगी योग तपोबल से अपनी साधना से वर्षों की साधना के बाद किसी शक्ति को उत्पन्न करते हैं, कोई तांत्रिक चाहते हैं कि हम 2 साल में तंत्र विद्या को के माध्यम से शक्ति को प्राप्त कर लें, ठीक है करते हैं, मगर जो शक्ति जिस माध्यम से आती है उसकी तीव्रता भी उतनी ही होती है, उतनी ही गति से आपका लिबर्टी नहीं देगी वो, जब चाहिए तो चाहिए। अगर माँ के तौर पे शक्ति को प्राप्त करते हैं आप, उनकी पूजा अर्चा करके उनमें आप उस विज्ञान को उस प्राप्त करते हैं, तो ममता की भाव सदैव रहती है, एक गलती की भी छोड़ सकती है, मगर तंत्र गति से की गई शिक्षाएं या विद्याएं आपको मौका नहीं देती, एक भी मौका उसके पास नहीं होती है। उसके बाद सतोगुण के अंदर तो ना ये बचता है ना वो बचता है, वहां तो सिर्फ शून्य है, वहां कोई भोग नहीं है ना कोई भोगता है, सिर्फ प्योर है, व्हाइट व्हाइट। मगर जब उसके अंदर लाल ऑरेंज संतरी जिसे कह सकते हैं आप, पीला हरा आकाश का कलर और गहरा नेवी ब्लू का रंग समाता है, और ब्रह्मरंध्र पे जाके
जब वो वायलेट कलर में बदल जाती है, तो उस दर्शन को जब हम प्राप्त करते हैं तो हमें ये महामाया का सिद्धि हो जाता है, जहाँ से सारी विद्याएं ही आती है। तो हमें अपने कुल देवता को समझना चाहिए, कुल धर्म को समझना चाहिए, स्थान देवता को समझना चाहिए, वास्तु देवता को समझना चाहिए। कोई सारा विज्ञान है और इसको समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप अपने शरीर के बायोग्राफी को समझिए, इसकी ज्योग्राफी को समझिए, तभी आप मंत्रिक या तांत्रिक पूजा भी कर सकते हैं। हम चंदन लगाते हैं, चंदन का अपना महत्व है और चंदन लगाना आपके कर्म के अनुसार जरूरी होता है। आप एक यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म एक मार्ग को दिखाता है। तो आप एक संस्कार में आते हैं तो आप में तब भी शक्तियां आती है। कई मार्ग हैं शक्ति के, कोई जरूरी नहीं है कि हम हिमालय में जाकर ही शक्ति उपार्जन कर सकते हैं। हिमालय के सिद्धगंज का कभी चर्चा करेंगे। कंट्रोल पूरा पृथ्वी का, जहां से कुछ पॉइंट्स हैं पृथ्वी के, जहां से कंट्रोलिंग होती है शक्तियों का, त्रिगुणात्मक शक्तियों का कंट्रोलिंग होता है और वो हम जनजीवन को स्वस्थ और अमृतत्व भी प्रदान करती है। मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, ये कोई कोरी भावुकता नहीं है, ये जीवन जीने की एक कला थी। आज भी हम स्थान देवता, ग्राम देवता के बिना नहीं चल सकते, क्योंकि हम सीढ़ी चढ़ के ही ऊपर जा सकते हैं, हवा में ऊपर नहीं उड़ सकते। हमें माध्यम चाहिए तो हम माध्यम से ही चल सकते हैं, और उसी सिद्धांत में विज्ञान भी चल रही है। आज आप किसी भी गाड़ी को बनाने के लिए, किसी भी यंत्र को बनाने के लिए, किसी भी रोबोट को बनाने के लिए, उसका मैकेनिकल वर्क पहले जरूरी होता है, फिर उसके जो तांत्रिक प्रक्रिया है जिससे वो काम करेगा, उसका एक जगह नियुक्त करना पड़ता है, फिर उसमें सॉफ्टवेयर के जरिए, मंत्र के जरिए उसे अधिष्ठान करके उस चीज को चलान्वित किया है। तो फिर क्यों नहीं, आप उस चीज को बनाते हैं तो ये क्या कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि डॉक्टर फ्रिंक रुडोल्फ ने लिखा और हमने पढ़ा तभी हम इस चीज को मानेंगे। हमारी मेंटलिटी वहां चली गई है कि जो हमारे घर की चीज है, जो विद्या है, उसे हम नहीं देख रहे हैं और हम बाहर के बुक्स को पढ़ के हम उस अपने विद्या को जानते हैं। हमारी इस बहुत सारी रिसर्च से ये पता चलता है, जब देखता हूं तो पता चलता है कि हम कहां पे हैं, हम लोग क्या हैं। जहां हमारे विद्या सोना बनाना तक की विद्या है, हमारे ऋषि सोना बनाते थे, राजाओं को दान देते थे, शक्तियों के बल पे धन को उपार्जित कर लेते थे, तपस्या भी करते थे, राजाओं से लेते नहीं थे। हम उस मिट्टी से जड़े हुए हैं जहां की औषधि, जहां संजीवनी थी, मगर हम किस दिशा और दशा में जा चुके हैं और वो रिसर्च करके हमारी सारी चीज को अंदर से अंदर खोखला कर दिया है और उसके तरह से परोसा जा रहा है। तब हम अपने दादा परदादा के नियमों को जानते हैं। पूजा आखिर वास्तविक कर कहते किसको हैं हम जानते ही नहीं। हम बहुत पूजा करें मगर हम पूजा का अर्थ शाब्दिक नहीं जानते। पहले तुम अपने शरीर का पूजा करें, फिर मूर्ति का पूजा करें। जब तक आप अपने शरीर का पूजा नहीं करेंगे, शरीर के सारे ऑर्गन्स को देखेंगे नहीं, देवी कवच में दिया गया है कि देवी की दिशा और जो देवी हमारे शरीर के एक एक अंग पे, चाहे नाभिमंडल के अंग हो या हमारे हाथ के अंग हो, उंगली से लेकर नाखून, सब पे शक्तियों का वास होता है। सबका अपना अपना एक नजरिया होता है काम करने का। सब धारक हैं, कोई जन्म देती है, कोई
पालती है, कोई संहार करती है, ये एपोप्टोसिस की क्रिया है। एपोप्टोसिस की क्रिया हम पढ़ते हैं बच्चों और बच्चों को पढ़ाते हैं, मगर हम एपोप्टोसिस की क्रिया सेल्स का पढ़ा देते हैं, मगर वो नहीं दिखाते हैं कि हमारे जीवन भी एक एपोप्टोसिस की क्रिया की तरह ही है। हम मरते हैं, फिर नवीनीकरण होता है, फिर हमें आना है हम समय के अनुसार। तो मगर हाँ, एक चीज है कि हमारा समय उचित होना चाहिए, हम समय पे ही जाएं, हम अकाल मृत्यु ना मरे। इसीलिए पूजा, मूर्ति पूजा एक विज्ञान है, जहाँ आज भी साधक इसे अपने जीवन में लाते हैं और माँ का आवाहन करके आगे का रास्ता प्रशस्त करते हैं। इसी के साथ साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। से फिर मिलेंगे आपसे। हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम।